नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों को जनवरी माह में आपको अपने गन्ने के खेत में कौन कौन से कार्य करने हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने आस पड़ोस के किसान भाइयों को शेयर करिए, जिससे यह जानकारी उन किसान भाइयों को मिल सके जो गन्ने की खेती कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शरतकालीन नवलक एवं खड़ी फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें ताकि आप लोग पाले से गन्ने की फसल को बचा सकें। फसल में उत्पादकता में वृद्धि हेतु आप लोग सिंचाई करते रहें। शरतकालीन गन्ने के साथ विभिन्न अन्य फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई निराई गुड़ाई के साथ उर्वरक का प्रयोग करें। सहफसली फसल कट जाने के बाद आप लोग गन्ने में सिंचाई के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यानी जहां पर आप लोगों का गन्ने का जमाव नहीं हुआ है वहां पर गन्ने की पौध लगानी है। बसंतकालीन गन्ना बुआई का उपयुक्त समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनवरी से फरवरी, मध्य क्षेत्र में फरवरी से मार्च, पश्चिमी क्षेत्र में मध्य फरवरी से मार्च तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान लाही से खेत को खाली होने के बाद उसमें कार्बनिक खादों का प्रयोग करके अपने खेत को तैयार करते हुए खेत की तैयारी शुरू कर। बसंतकालीन गन्ना बुआई से पूर्व अपनी मृदा का परीक्षण अवश्य कराएं तथा खादी आंकड़ों के अनुसार संतुलित उर्वरक की व्यवस्था करें। बुआई के समय आप लोगों को 50 किलो नत्रजन, 60 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास, 25 किलो जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है। बुआई से पूर्व गन्ना बीज की व्यवस्था करें। कुल बुआई का 1/3 क्षेत्रफल शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के अंतर्गत रखें। मील में स्वीकृत प्रजातियों का ही चयन करें। बीज गन्ना में पानी की मात्रा पर्याप्त बनाए रखने हेतु काटने से पूर्व उसमें सिंचाई करें। उसके पूर्व 3-3 आंख वाले गन्ने के टुकड़ों को रसायन से उपचारित करें। बीज उपचारित है, रसायन की बात करें तो मार्केट में अनेक प्रकार के रसायन उपलब्ध हैं, आप लोग कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ खास रसायनों की बात करेंगे। बवास्ट्रीन 110 ग्राम, कार्बेंडाजाइम 100 ग्राम, डाइथेन M45 250 ग्राम, इन सब का प्रयोग आप लोगों को प्रति एकड़ बीज के लिए 110 से 120 लीटर पानी में घोल बनाकर अपने बीज को उपचारित करना है। बुआई के समय दीमक व भोंगट कीट के रोकथाम के लिए आप लोगों को बता दें आमतौर से कौन से रसायन का प्रयोग करना है जो हम किसान भाई लोग करते हैं। एक आता है लेसेंटा और एक आता है पुलिस, तो ये साधारण सा हर जगह उपलब्ध है, आप लोग इसका ही प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो रसायन पाया जाता है फिप्रोनिन 40% और इमिडाक्लोरोपिट 40% WG फॉर्म में होना चाहिए, ये आप लोग देख के उसको लेना है। जिसकी 100 ग्राम का जो पैक आता है वो एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसका आप लोगों को घोल बनाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करना है, या जो आपकी नालियों में आपने जो गन्ना बोया है उस पे आपको छिड़काव करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।